नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरधुया नाले के कार्यों की समीक्षा बैठक। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बांसगांव थाना क्षेत्र में 24 जून को गायब बुजुर्ग छब्बू यादव के घर चिट्ठी भेजकर मांगी गई 1 करोड़ की फिरौती, पैसा ना देने पर हत्या करने की दी गई धमकी। एसपी साउथ ने कहा, पुलिस चिट्ठी सहित अन्य बिंदुओं पर कर रही है जांच, जल्द ही बुजुर्ग को सकुशल कराया जाएगा बरामद। अमृत सरोवर योजना के तहत जनपद में बनाया जाएगा 1294 तालाब। 51 तालाबों पर कार्य है जारी। 15 अगस्त तक 59 तालाब बनाने का रखा गया है लक्ष्य, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। सीडीओ इंद्रजीत सिंह का रविवार को लखनऊ नगर आयुक्त के पद पर हुआ तबादला। कहा, सीडीओ रहते नागरिकों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों का मिला पूरा सहयोग, विकास के कार्यों को मिली रफ्तार। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त दिवाकर शर्मा को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ किया गया शांतिपूर्वक सत्याग्रह। कहा, इस योजना को वापस ले सरकार और भर्ती की पुरानी परंपरा को फिर से किया जाए बहाल। अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10 लीटर अवैध कच्ची शराब किया बरामद, भेजा जेल। और एमजे इंटर कॉलेज की संचालक मातृ संस्था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद का गठन करने का किया ऐलान। कहा, वरिष्ठ नागरिक कॉलेज के छात्र छात्राओं को उनकी कक्षाओं में जाकर अपने जीवन के अनुभव को साझा कर देंगे, छात्र छात्राओं को प्रेरणा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के अधिकारियों के साथ बरसात में होने वाले जल भराव को लेकर बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरधुया नाले की सफाई की समीक्षा करते हुए कहा कि नाले की सफाई का कार्य जल्दी पूरा कर लिया जाए। जनपद से कुछ पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें नाले के चौड़ीकरण करने की बात की गई थी, जिस पर जल्द ही मुख्यमंत्री से बात करके धनराशि को स्वीकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, नाला सफाई का कार्य जल्दी पूरा कर लिया जाए जिससे बरसात में कहीं पर भी जल जमाव ना होने पाए। वहीं गोरधोया नाले की सफाई के कार्यों की जानकारी देते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि नाले की सफाई हो जाने से 51% बरसात का पानी गोरधोया नाले में चला जाएगा, जिससे शहर में जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त सभागार में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, नगरायुक्त अविनाश कुमार सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अविकसित लैंड वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता सर। ओके बताइए सर, ये
जनपद गोरखपुर में सर उधैया नाला है सर, तो वहाँ के स्टॉर्म वाटर ड्रेन का आता है सर, और वो रामगढ़ पानी करके मुझे गुजरा है, तो उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए और वहाँ पे दोनों तरफ उस नाले को छोटा करने के लिए उसके सर रोड स्ट्रेंथनिंग कैसे लगा के सर वहाँ गोरखपुर से भेजा गया है सर। मुझे लगभग सर 941 करोड़ का है, इसमें सर 352 करोड़ है वो तो सर कंस्ट्रक्शन रीमॉडलिंग ऑफ नाला है और सर रोड स्ट्रेंथनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, बाकी सर 572 करोड़ जो है वो लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट है सर। तो सर ये मार्च में सर वहाँ जिले से आया था, यहाँ पे जब आया तो सर हम लोगों ने आर्थिक विकास में भेजा था आर्थिक विकास कि ये जीत का बड़ा कॉस्ट है तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, तो वहाँ से सर 10 पॉइंट्स पर उन्होंने सर एल ओ सी मांगी जाती है आर्थिक विकास से, तो उन्होंने मांगी सर नगर निगम से हमें आ गए तो हम लोग फाइल पर तैयार है सर। परसों में सर काफ़ी विचार विमर्श हुआ था सर, और ये तय हुआ था कि सर आपके सर पर एक बैठक मिलेगी कैसे हम लोग उसको सर फंडिंग कर सकते हैं सर। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसका क्योंकि सर हमारा जो अमृत योजना है वो तो सर मेनली वाटर सप्लाई सीवेज का है, और छोटा कंपनी का स्टॉर्म वाटर ड्रेन का भी है सर, रिजुवेनेशन ऑफ वाटर बॉडीज उसके लिए है, तो हम सर नाले का तो सर फिर भी हम लोग कर सकते हैं सर, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन और ये सब रोड कंस्ट्रक्शन तो उसका नहीं आ पाएगा, तो वो इशू है सर। ब्रॉडली सर की स्कीम का डिवाइड 3 पार्ट्स है, 550 करोड़ सर राजस्व के लिए जो कंपनसेशन है सर, 350 करोड़ सर योजना बनाने के लिए कंपनसेशन की बात कर सरकारी जो नहीं जमीन का प्राइवेट है दैट विल बी 1% अगर प्राइवेट ने उससे कहा है क्या है सर वो एक लाइक उस वाइडर द स्कोप ऑफ द कंसर्न ब्रेक ताकि उसको क्या नहीं कर सके बारिश के पीरियड में सर करीब हमारा 51% ऑफ द शहर का एरिया आज के दिन में सर दैट गेट सर्व्ड बाय दिस नाला सर, सर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सर ये पूरा एंक्रोचमेंट हो चुकी है कि अभी सर जो कच्ची कुछ जगह पे सर 2.5 मीटर का विड्थ मिल रही है सर, कुछ जगह पे 5 मीटर का विड्थ मिल रही है सर। सर इसके वजह से सर हम लोगों का जो पूरा नाले का पानी जो निकलना है सर वो निकल नहीं पाता है, एंड दिस नाला सर विल गो ड्रेन इन टू रामगढ़ ताल सर, वो क्योंकि सर हर जगह पे रुकता है और पानी सर नाले तक भी पहुंच नहीं पाता है, और गुर्दा या नाला तो सर पूरा सिल्टेड है सर, पूरा सिल्ट के वजह से भर गया है सर। एक तो दूसरा चीज़ है सर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है सर, और हम लोगों ने जब डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया सर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सर वो काश्तकारों के नाम पे है, और कुछ लोगों ने सर प्लॉटिंग करके ऑलरेडी मकान भी बना चुके हैं सर, तो इस वजह से सर जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये डिस्कस किया सर उन्होंने ही कहा था सर कि इसको वाइडन करना पड़ेगा, तो 20 मीटर्स का नाला बनाने के लिए 10-10 मीटर्स का दोनों साइड में सर रोड बनाने के लिए उन लोगों ने प्रस्ताव रखा है सर। सर दोनों साइड का रोड हम छोड़ भी देंगे सर, बट 20 मीटर्स का नाला तो सर बनना तो बहुत जरूरी है सर, एंड सो दैट सर 51% का जो पानी का निकासी का है ये व्यवस्था होगा सर। सर इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज ये है लैंड एक्विजिशन में हम लोगों ने जो प्रस्ताव भेजा है सर करीब 132 करोड़ का सर, कि ये है सर भूमि का अधिकार है सर। सर भवन का मूल्यांकन थोड़ा ज्यादा है सर, दैट इज अराउंड 137, एंड सर जो सोल्यूशन हम लोग दे रहे हैं सर वो थोड़ा ज्यादा किया गया है सर, मैंने अभी डिस्कस कर रहा था सर इसमें थोड़ा बहुत हम लोग कम भी करा सकते हैं। बांसगांव थाना क्षेत्र में 24 जून को गायब बुजुर्ग झब्बू यादव के घर चिट्ठी भेजकर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बांसगांव थाना क्षेत्र के बेदौली निवासी झब्बू यादव खेत की रखवाली के लिए गए थे, उनके साथ उनका पौत्र भी था, पौत्र के अनुसार वह 12:30 बजे तक उनके साथ था, लेकिन रात 3:30 बजे जब उसकी दादी खेत में गई तो वह बिस्तर पर नहीं मिले, वह सुखैती का कार्य भी
करते हैं इसलिए कभी कभी चले जाते थे, इसलिए परिवार वालों ने सोचा कि वह कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन जब सुबह तक नहीं आए तो परिजनों ने थाने पर सूचना दी, जिसको देखते हुए पुलिस व परिजन दोनों दिन भर ढूंढते रहे लेकिन वह नहीं मिले। 26 जून को उनके पड़ोसी के घर के सामने एक लिफाफा मिला जिसमें 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और नहीं देने पर बुजुर्ग की हत्या करने की धमकी दी गई है। बुजुर्ग के दोनों बेटे बैंकॉक में रहते हैं, बाकी परिवार यहीं रहता है। उनका किसी से कोई विवाद नहीं है, फिर भी पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। एसपी साउथ ने कहा कि जिस तरह से लेटर में लिखा गया है, लगता है कि वह व्यक्ति अनपढ़ है या बहुत कम पढ़ा लिखा है, या तो शरारत भी हो सकती है या सही भी हो सकता है, लेकिन पूरी गंभीरता से पुलिस काम कर रही है। बुजुर्ग द्वारा कोई मोबाइल फोन उपयोग नहीं किया जाता है जिससे सर्विलांस से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। पुलिस के द्वारा गायब होने की सूचना पोस्टर के माध्यम से जारी किया गया है जिससे सभी लोग जान सके, प्रयास है कि सकुशल बुजुर्ग की बरामदगी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, एक 70-80 वर्षीय बुजुर्ग अपने धान की पौध की रखवाली अपने खेत पे करते हैं। ये कौड़ी राम चौकी क्षेत्र का बेदौली गांव है। 23/24 की रात में वो अपने खेत पर थे, उनका पौत्र भी उनके साथ था। पौत्र के अनुसार 12:30 बजे रात तक वो था। उसके बाद उसकी दादी 3:30 बजे जब गई तो बिस्तर पर नहीं मिले। चूँकि वो ओझा सोखा का भी काम करते थे तो कभी कभार किन्हीं लोगों के यहाँ चले जाते थे। परिजनों ने ये सोचा कि ये कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। जब 8-9 बजे तक नहीं आए तो उन्होंने एक घर का लड़का अजय, उनका जो पौत्र है गोरखपुर में रहता है, उसको फ़ोन किया, वो आया। उसने थाने को सूचना दी 24 तारीख को, इसमें गुमशुदगी दर्ज हुई। पुलिस और उनके परिजन 24 और 25 दोनों दिन ढूंढते रहे। 26 तारीख को एक लिफाफा उनके पड़ोसी के दरवाजे पर मिला है जिसमें उन्होंने कहाँ देना है, किसको देना है, कब देना है रंगदारी, ये कुछ नहीं लिखा है। लेकिन लिखा है कि अगर नहीं देंगे तो आगे गंभीर परिणाम के बारे में उन्होंने उनको चेतावनी दिया है। हम सारे पहलुओं की छानबीन कर रहे हैं। बुजुर्ग के दोनों बेटे बैंकॉक में रहते हैं, बहुएं और सारा परिवार यहीं रहता है। जगह जमीन का किसी तरह का उनका कोई विवाद नहीं है, फिर भी हम सारे लोग इस पहलू पर छानबीन हमारी टीम कर रही है। ये कहाँ से हो सकता है? इबारत जो लिखी गई है, जो उसकी राइटिंग है और सारी चीज़ें जिस तरह से है, वो लगता है कि आदमी अनपढ़ है, मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा है। दूसरा ये है कि वो फोटो स्टेट भेजा गया है लिफाफे में, तो इस पर शरारत भी हो सकती है, हकीकत भी हो सकती है। लेकिन पूरी गंभीरता से हमारी टीम इस पर काम कर रही है। चूँकि बुजुर्ग द्वारा कोई मोबाइल फ़ोन प्रयोग नहीं किया जा रहा था, इस नाते इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। बट परंपरागत जो पुलिस का सिस्टम है उसके आधार पर लोगों से पूछताछ, मुखबिरी, पोस्टर, पंपलेट, विज्ञापन, इन सब के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सकुशल उन बुजुर्ग की बरामदगी होगी और ये शरारत करने वाले लोग भी पुलिस के शिकंजे में। रंगदारी लिखने वाले को मुझे लगता है ये लिखने भी पूरी तरह से नहीं आता है, लेकिन जो उसमें अमाउंट लिखा गया है 1 करोड़ लिखा गया है, 1 के आगे 0 लगातार लगाता गया है, तो 1 करोड़ रुपया है। और जिनके घर से ये मांगा जा रहा है उनकी माली हालत तो फिलहाल ऐसी नहीं लगती है, वो खाते पीते घर के लोग हैं, मकान वकान ठीक ठाक गाँव में बना लिया है, लेकिन 1 करोड़ रुपये रंगदारी देने की हैसियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता है। फिर भी हम किसी तथ्य से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला हमारा टारगेट है बुजुर्ग की सकुशल घर वापसी, उसके बाद आगे की कार्यवाही हम करेंगे। जनपद में अमृत सरोवर योजना के तहत गांव में 1294 तालाब बनाया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि प्रदेश सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में अमृत सरोवर तालाब बनना है, जिसमें शासन के द्वारा एक निर्देश जारी हुआ है कि वह तालाब 1 एकड़ से ऊपर का होना चाहिए, जिसको देखते हुए जनपद में 95 तालाब चिन्हित किए गए हैं, जिसमें यह देखा जा रहा है कि हर गाँव में एक अमृत सरोवर तालाब बनाया जाए। अभी
अभी तक 250 तालाब को चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें 51 तालाबों का कार्य चल रहा है, बाकी ऊपर जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा प्रयास है कि 15 अगस्त तक 59 तालाब को तैयार कर लिया जाए। इस साल के अंत तक पूरे जिले में 1294 तालाब तैयार करना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, जनरली मनरेगा के माध्यम से उतना है। एक जीओ है कि एक एकड़ से ऊपर का तालाब चिन्हांकित करना, जिसके तहत करीबन 95 तालाब चिन्हित किए गए थे। फिर उसके बाद ये हुआ है कि हर गांव में एक अमृत सरोवर के तहत तालाब आपको आइडेंटिफाई करके साल भर में तैयार करना है। तो हम अभी तक अराउंड 350 तालाब के आसपास आइडेंटिफाई करके काम लगभग अराउंड 51 तालाब में मतलब चल रहा है, बाकी सबकी भी जियो टैगिंग हो रही है। और बाय 15 अगस्त हम लोग का लक्ष्य है नियर अबाउट 259 के आसपास तालाब तैयार करना, और ईयर एंड तक 1294 हर गांव में एक एक तालाब तैयार करना। सीडीओ इंद्रजीत सिंह का रविवार को लखनऊ नगर आयुक्त के पद पर तबादला हुआ, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 31 जुलाई 2020 को बतौर सीडीओ के रूप में गोरखपुर में ज्वाइन किया था। तब से लेकर अभी तक जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और नागरिकों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। उस समय कोरोना काल चल रहा था, जिसमें गोरखपुर के नागरिकों का सेवा करने का अवसर मिला। उस समय मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके वजह से मुझे विकास कार्यों को करने में सहूलियत मिली। उन्होंने कहा, नागरिकों की समस्याओं को हमेशा हल करने का प्रयास किया। इसके अलावा IGRS व चौपाल में आई शिकायतों का निस्तारण किया गया। शासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलते थे, उसका 100% पालन करवाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा,
गोरखपुर में सीडीओ रहते हुए मुझे सारे माननीय जनप्रतिनिधियों का और सारे हमारे कर्मचारियों का और नागरिकों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। और इसके साथ साथ यहाँ पे उस समय दो कोविड की वेव भी थी, उसमें भी सेवा का मौका मिला। और यहाँ पे इलेक्शन भी हुए दो बार, लेकिन हर किसी में टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं बहुत ही स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा सारे नगर गोरखपुर के वासियों को जिन्होंने ये ऐसा मौका मुझे दिया। और इसके साथ अभी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है उसके लिए अभी मैं रिलीव होकर वहाँ ज्वाइन करूँ। नागरिकों का ऐसा था कि सब लोग अपना फीडबैक और जो कंप्लेंट हमारा सिस्टम है उसमें जो भी हमें फीडबैक आता था हम उससे अपने आप का कोर्स करेक्शन हमने किया। रेगुलर जो IGRS पे कंप्लेंट्स आती है या रेगुलर जो वन ऑन वन मीटिंग में डेली जो लोगों से संवाद होता था उसमें और जो चौपाल थी सब में लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और बहुत अच्छे इनपुट्स मिले हमें। कई जगह जितने टारगेट्स थे उससे ज़्यादा अचीवमेंट्स हमें मिली। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सुखद एहसास रहा और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैंट पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रेलवे रोडवेज बस स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दिवाकर शर्मा पुत्र जवाहरलाल शर्मा निवासी सुनरा थाना कोतवाली जिला महाराजगंज के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता महाराजगंज में 3P मार्ट में अभियुक्त दिवाकर शर्मा के साथ एक साल पहले काम करती थी। वहीं पर दोनों के बीच दोस्ती हुई और दिवाकर शर्मा ने पीड़िता से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में दिवाकर ने पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। कुछ समय बाद पीड़िता ने वहां से काम छोड़कर गोरखपुर में किराए का मकान लेकर रहने लगी और हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगी। तब पता चला कि दिवाकर शर्मा ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिया है, जिस पर पीड़िता ने थाने में तहरीर दिया और मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, पैडलेगंज चौकी प्रभारी शंभू प्रसाद शाहनी, कांस्टेबल सुनील यादव शामिल रहे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरधुया नाले के कार्यों की समीक्षा बैठक। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बांसगांव थाना क्षेत्र में 24 जून को गायब बुजुर्ग छब्बू यादव के घर चिट्ठी भेजकर मांगी गई 1 करोड़ की फिरौती, पैसा ना देने पर हत्या करने की दी गई धमकी। SP साउथ ने कहा, पुलिस चिट्ठी सहित अन्य बिंदुओं पर कर रही है जांच, जल्द ही बुजुर्ग को सकुशल कराया जाएगा बरामद। अमृत सरोवर योजना के तहत जनपद में बनाया जाएगा 1294 तालाब। 51 तालाबों पर कार्य है जारी। 15 अगस्त तक 59 तालाब बनाने का रखा गया है लक्ष्य, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। CDO इंद्रजीत सिंह का रविवार को लखनऊ नगर आयुक्त के पद पर हुआ तबादला। कहा, CDO रहते नागरिकों कर्मचारियों जनप्रतिनिधियों का मिला पूरा सहयोग, विकास के कार्यों को मिली रफ्तार। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त दिवाकर शर्मा को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ किया गया शांतिपूर्वक सत्याग्रह। कहा, इस योजना को वापस ले सरकार और भर्ती की पुरानी परंपरा को फिर से किया जाए बहाल। अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10 लीटर अवैध कच्ची शराब किया बरामद, भेजा जेल।
एमजे इंटर कॉलेज की संचालक मात्र संस्था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद का गठन करने का किया ऐलान। कहा, वरिष्ठ नागरिक कॉलेज के छात्र छात्राओं को उनकी कक्षाओं में जाकर अपने जीवन के अनुभव को साझा कर देंगे छात्र छात्राओं को प्रेरणा। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में गोलघर के चेतना तिराहे पर शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया गया, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी व्यापक परामर्श के गलत नीतियों को देश की सेनाओं पर थोपा जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में तमाम लोग एवं युवक नाराज हैं जो सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना देख रहे थे। अग्निपथ योजना जो सैनिकों के भर्ती के लिए लाया गया है, जो उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। 4 साल की अग्निपथ योजना में देश के नौजवानों एवं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को वापस ले और जिस तरह से भर्ती की पुरानी परंपरा चली आ रही है वह फिर से लागू किया जाए। इस अवसर पर अनवर हुसैन, आशीष पांडे, दिलीप निषाद, देवेंद्र निषाद, अशोक कश्यप, प्रभात चौबे, राहुल राय सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, हमारी मांगे पूरी करो, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, अग्निपथ वापस करो, हमारी मांगे पूरी करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, युवाओं के साथ अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पूरी करो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, उनको सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो, सैनिकों को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो, सैनिकों
जिंदाबाद जिंदाबाद। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अग्निवीर योजना जो सैनिक भर्ती सरकार ने लागू किया है, इसके विरोध में और जो इस देश के तमाम युवा इस भर्ती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश है, उनके समर्थन में आज हम सभी लोग गांधीवादी तरीके से यहां सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, ताकि यह सरकार इस देश के नौजवानों और देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ न करे और ये अग्निवीर भर्ती योजना वापस ले और जिस तरह से पुरानी परंपरा भर्ती की चली आ रही थी वह फिर से लागू हो, नई भर्ती योजना ला करके सैनिकों का अवमूल्यन किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग यह धरना कर रहे हैं। सैनिकों का अपमान हम लोग नहीं होने देंगे। राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग इस भर्ती के विरोध में और सैनिकों के सम्मान में, युवाओं के समर्थन में यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यह शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। कैंट पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को बलदेव प्लाजा खुआ मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विकास सोनकर पुत्र छोटेलाल निवासी महुआ तिराहा चांदनी टेलर के बगल में पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं बहुत ही गरीब हूं, जीविकोपार्जन के लिए कच्ची शराब को शहर में लाकर राहगीरों को बेच देता हूं। आज भी शहर में कच्ची शराब लेकर बेचने के लिए आया था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अवनीश कुमार पांडे, कांस्टेबल राजेश यादव, संदीप कुमार शामिल रहे। जनपद के नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अगले महीने से 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक एमजी इंटर कॉलेज में 10 बजे से 4 बजे तक कॉलेज में आकर अपना समय व्यतीत करेंगे, जिसमें सुबह शाम का नाश्ता और दोपहर का लंच सोसाइटी की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने सोमवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई योजना नई शिक्षा नीति से प्रभावित होकर यह योजना सोसाइटी द्वारा किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनके चयन का मुक्त अधिकार सोसाइटी के पास रहेगा, सोसाइटी तय करेगी कि इन्हें अवसर दिया जाए कि नहीं। इन लोगों के लिए वातानुकूलित पुस्तकालय में बैठने की व्यवस्था रहेगी। वरिष्ठ नागरिक कॉलेज के छात्र छात्राओं को कक्षा में जाकर एक पीरियड में अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताएंगे और उनको प्रेरणा देंगे तथा उनके आने जाने के लिए व्यवस्था सोसाइटी द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर परिषद के संयोजक ओम प्रकाश सिंह, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, मान लीजिएगा हम लोगों के भी एक का समझ लीजिए कि सोसाइटी एक नए संस्थान की रचना कर रही है, तो आज का दिन, ये संस्थापना का दिन तो 16 जुलाई होगा, लेकिन ये सब चीज़ें आर्काइव में रहेंगी, इतिहास की चीज़ें ये बन, तो लौट के आके वो भी अपनी सेवाएं दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंकेश्वर नाथ पांडे, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी जो इस नगर की सबसे प्राचीन शिक्षण संस्था है, 1909 में स्थापित, उसके सचिव के रूप में आज कर रहा हूँ। और आज का दिन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम एक नई योजना जो कि नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर यह योजना हमारी सोसाइटी लेके आ रही है, जिसमें हम वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद का गठन करने जा रहे हैं। यह वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा आप सभी लोगों को पता है कि
कि 60 वर्ष उम्र होने के बाद हम सभी को सीनियर सिटीजन कहते हैं, महिला पुरुष को। इसमें हम सदस्यता देंगे सोसाइटी के द्वारा और इस परिषद का गठन करेंगे। इसमें जो लोग आवेदन करेंगे स्क्रीनिंग के बाद हम उन्हें सदस्यता देंगे और यह योजना 16 जुलाई से प्रारंभ होगी। हमारे सोसाइटी के द्वारा 3 विद्यालय वर्तमान में संचालित किए जाते हैं, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज। इन तीनों विद्यालयों के बच्चों को, छात्र छात्राओं को नैतिक शिक्षा देने का कार्य यह हमारी वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद करेगी। यह जो सदस्य इसके होंगे, जो अपने वाहन से आना चाहेगा वो 10 बजे विद्यालय आएगा, जो वाहन उनके पास नहीं होगा सोसाइटी उन्हें वाहन उपलब्ध कराएगी, उन्हें घर से हम लेंगे और वापस उनके घर पहुंचाएंगे। वो लोग 10 से 4 इस विद्यालय में रहेंगे। इसके मूल में हमारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज है और इसके संयोजक प्रधानाचार्य ओपी सिंह साहब और हमारे हिंदी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं, समन्वयक सॉरी। इन दोनों लोगों के द्वारा और मेरे द्वारा यह योजना देखी जाएगी। लाइब्रेरी को में हम लोगों ने 2 वातानुकूलन यंत्र एसी लगवाया है, टीवी लग गई है, अच्छा साहित्य वहाँ पे पहले भी था, कुछ नया भी खरीद के आया है, कुछ इंडोर गेम चेस कैरम इस तरह की चीज़ें भी वहाँ रखी जाएंगी। वो लोग आएंगे, आपस में मिलेंगे, बातें करेंगे, खेलेंगे, टीवी देखेंगे, न्यूज़ सुनेंगे। 11:30 बजे उन्हें चाय कॉफ़ी, 1:30 से 2 उनका लंच का समय होगा जिसमें कि विद्यालय उन्हें निःशुल्क लंच उपलब्ध कराएगा और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं महीने में कम से कम 10 दिन उनके साथ दोपहर का भोजन करूं। और पुनः 3:30 बजे उन्हें चाय बिस्किट का को उपलब्ध कराया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बाद महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, पीजी कॉलेज और रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज में अब पीरियड 2 अतिरिक्त पीरियड विषय के अलावा एक नैतिक शिक्षा का और एक खेलकूद और व्यक्तित्व विकास का होगा। खेलकूद व्यक्तित्व विकास के लिए सोसाइटी संगीत योगा के शिक्षक नियुक्त करने जा रही है, लेकिन नैतिक शिक्षा का जो एक पीरियड होगा वो इन तीनों विद्यालयों के सभी सेक्शनों को, ये जो 100 सदस्यों का समूह होगा प्रेरक परिषद, ये लोगों को मैक्सिमम दिन में 2 पीरियड यानी 80 मिनट बस इन्हें हमें देना होगा। बाकी यह उस कक्ष में आराम से बैठेंगे और अपना जीवन की चर्चा, अपनी बातें करेंगे और इस तरह यह योजना आगे बढ़ेगी। और मुझे यह विश्वास है कि इसका लाभ हमारे तीनों विद्यालयों के लगभग 12,000 छात्र छात्राओं को नैतिक शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में ये लोग मिलेंगे और इनको एक आत्मविश्वास मिलेगा कि अभी उनका जीवन बेकार नहीं हुआ है, वो सभी लोग अभी भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरधुया नाले के कार्यों की समीक्षा बैठक, कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बांसगांव थाना क्षेत्र में 24 जून को गायब बुजुर्ग छब्बू यादव के घर चिट्ठी भेजकर मांगी गई 1 करोड़ की फिरौती, पैसा ना देने पर हत्या करने की दी गई धमकी। एसपी साउथ ने कहा, पुलिस चिट्ठी सहित अन्य बिंदुओं पर कर रही है जांच, जल्द ही बुजुर्ग को सकुशल कराया जाएगा बरामद। अमृत सरोवर योजना के तहत जनपद में बनाया जाएगा 1294 तालाब, 51 तालाबों पर कार्य है जारी, 15 अगस्त तक 59 तालाब बनाने का रखा गया है लक्ष्य, जिलाधिकारी ने दी जानकारी।
सीडीओ इंद्रजीत सिंह का रविवार को लखनऊ नगर आयुक्त के पद पर हुआ तबादला। कहा, सीडीओ रहते नागरिकों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों का मिला पूरा सहयोग, विकास के कार्यों को मिली रफ्तार। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त दिवाकर शर्मा को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ किया गया शांतिपूर्वक सत्याग्रह। कहा, इस योजना को वापस ले सरकार और भर्ती की पुरानी परंपरा को फिर से किया जाए बहाल। अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10 लीटर अवैध कच्ची शराब किया बरामद, भेजा जेल। और एमजी इंटर कॉलेज की संचालक मातृ संस्था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद का गठन करने का किया ऐलान। कहा, वरिष्ठ नागरिक कॉलेज के छात्र छात्राओं को उनकी कक्षाओं में जाकर अपने जीवन के अनुभव को साझा कर देंगे छात्र छात्राओं को प्रेरणा। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।